तो आज के DIY प्रोजेक्ट्स को भी मैंने बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश की है कि कम से कम एफर्ट और कम से कम पैसा लगाकर पुरानी चीज़ों को यूज़ किया जा सके। शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस वीडियो में हम रीयूज करने वाले हैं इस बलून को, कांच की इस शीशी को जो खाली हो गई है, और साथ में प्लास्टिक की चौड़ी बॉटल को जो धूप बत्ती खत्म होने के बाद बच गई है। तो पहले DIY की शुरुआत की है मैंने, न्यूज़पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर फेविकोल को आधा पानी उसमें बराबर मात्रा में मिलाकर मिक्स कर लिया है, और बलून के ऊपर हमें इन टुकड़ों को इस फेविकोल की मदद से चिपकाना है पूरे ही बलून पर। अब इस प्रोजेक्ट के पीछे एक कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, वो ये है कि इसको लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल थी, क्योंकि ऐसा ही मिलता जुलता एक प्रोजेक्ट मैंने पहले भी बनाया है जो पूरी तरह से अनसक्सेसफुल हो गया था। उसमें मैंने बलून के ऊपर चिपकाए थे पिस्ता शेल्स और वो बिल्कुल भी नहीं बन पाया था, आपके साथ शेयर भी किया था। फिलहाल इसको डाउटफुल कंडीशन में मैं बनाती चली जा रही हूँ, एक उम्मीद के साथ में कि ये शायद बेहतर बन सके। इसकी एक लेयर को सुखाने के बाद मैं दो लेयर्स बनाऊंगी, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा थिकनेस चाहिए। और ये आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छे से ये एक वैस का रूप इसने ले लिया है, और यही मैं चाहती थी, काफ़ी सही ये प्रोजेक्ट बन गया है। तो मेरा डाउट फिलहाल यहाँ पर ख़त्म हो गया है, और अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं इसको मैं कैसे डेकोरेट करने वाली हूँ, और यही स्पेशल चीज़ है इसलिए वीडियो को देखते रहिए। चलिए देखते हैं अपनी प्लास्टिक की बॉटल से हम क्या बना सकते हैं। तो मेरे पास थे इस तरह के वुडन स्पून्स, एक बार हमारे यहाँ फंक्शन हुआ था तो कई पैकेट्स बच गए थे इस तरह के स्पून्स के, तो इनको मैंने एक पैटर्न में लगा लिया है और स्केल रख लिया है ताकि एक सीधी सी लाइन हम इसको इसकी बना सकें, और इनको मैंने एक पेपर टेप से चिपका लिया है ताकि कोई भी हिस्सा इनका इधर उधर ना जाए। एक स्ट्रिंग सी बना ली है, इतनी लंबी स्ट्रिंग बनाई है कि हमारी जो बॉटल है ना प्लास्टिक की, बस उसी साइज़ की ये स्ट्रिंग है। पूरी बॉटल पर ग्लू लगाकर हम इसे चिपका देंगे। तो ये बन गया एक बहुत ही रॉयल सा स्टोरेज बॉक्स, और इसमें आप क्या स्टोर करना प्रेफर करते हैं ये तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कमेंट्स में, कम से कम इस बहाने हमारी आपकी कुछ बात हो पाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले DIY की तरफ। और इस DIY को काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखा है मैंने, केवल और केवल आइसक्रीम स्टिक्स को ही यूज़ किया है, अलग अलग पैटर्न में इसमें लगाती गई हूँ। देखते रहिए, इसका एंड रिजल्ट आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। Thank you.
तो फ्रेंड्स ये थे मेरे डीआईवाई आइडियाज़। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपसे मिलती हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में।